अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त सैयद मुर्तज़ा अली हुसैनी, एम ए करंट टी वी न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तरमीमी बिल्स 2024 मुतअक्क़, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 5 रियासतों का दौरा करते हुए इजलास मुनक़िद करेगी और इस दौरान गैर रस्मी बातचीत भी की जाएगी। पहला इजलास 26 सितंबर को मुंबई में मुनक़िद होगा, जिसमें महाराष्ट्र हुकूमत, अखिलियती उमूर की वजारत और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। 27 सितंबर को अहमदाबाद, गुजरात में मुशावरत की जाएगी, जिसमें गुजरात हुकूमत, गुजरात वक्फ बोर्ड और दीगर मुतालका फरीकों के नुमाइंदे शामिल होंगे। 28 सितंबर को हैदराबाद का दौरा किया जाएगा, जहाँ कई अहम वक्फ अमलाक मौजूद हैं। हैदराबाद में होने वाली मुशावरती इजलास में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड भी इन मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 30 सितंबर को JPC मुशावरत के लिए चेन्नई तमिलनाडु और फिर 1 अक्टूबर को बेंगलोर कर्नाटक का दौरा करेगी। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक मेडचल में 80 साल खातून के साथ 36 साल वेंकट राव और उसके दो साथी ने जिंसी ज़्यादती की। इस बात की इतला होते ही मुकामी अफराद ने मस्कुरा शख्स को पकड़कर मारपीट करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। ताहम इसके दो साथी फरार में बताए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मुतासरा खातून को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल भिजवाया गया, मज़ीद तफ़सीलात का इंतजार है। इसी के साथ नाज़रीन, खबरनामा यहीं अख्तिताम वज़ीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।